अच्छा, तो स्टूडेंट आफ्टर डिस्चार्ज में वो क्या बताना चाह रहा है, वो बताता है कि हमारे पास फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक एग्जोन टर्मिनल था, ठीक है। इसमें नेक्स्ट जो है वो डेंड्राइट को क्या दिया, एक इनपुट सिग्नल दिया। इस इनपुट सिग्नल की वजह से यहाँ पे क्या होता है हमारे पास डिस्चार्ज होता है ना, ठीक है। एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, डिस्चार्ज होता है, फिर एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है। तो वो कहता है इतना ज़्यादा एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है कि ये हमारे पास कंटिन्यूसली आगे डिफरेंट न्यूरोन्स को जाता रहता है, इवन तो कि हम यहाँ से इनपुट सिग्नल खत्म कर दें लेकिन फिर भी ये आउटपुट जो है वो खत्म होने का नाम ही नहीं लेता, ये आगे इतना ज़्यादा एक्शन पोटेंशियल फैलाता जाता। तो ये क्यों हुआ? पहली रीज़न वो ये बताता है कि हो सकता है कि ये जो सिग्नल्स आए थे, ये न्यूरोट्रांसमीटर्स आए थे, इनमें कोई ऐसा सब्सटेंस था जो हमारे पास क्या था, लॉन्ग एक्टिंग साइनेप्टिक ट्रांसमीटर था। इस वजह से वो यहाँ पे ज़्यादा देर के लिए एक्ट कर रहा है और यहाँ से कंटिन्यूसली इसको एक्साइट किया जा रहा है और ये क्या कर रहा है, एक्शन पोटेंशियल को फर्दर आगे न्यूरोन्स में ट्रांसमिट कर रहा है। या दूसरी रीजन एक साइकिल हो सकता है जिसे हम क्या कहते हैं, रिवर्बरेटरी साइकिल कहते हैं। उस रिवर्बरेटरी साइकिल का मतलब होता है पॉजिटिव फीडबैक। अब कैसे कि हमारे पास कोई इनपुट सिग्नल आया जैसे उस डायग्राम में दिखा रहा है और यही हमारे पास क्या कर रहा है, आउटपुट जो है फर्दर इसको एक्साइट कर रहा है, ठीक है। और हमारे पास ये प्रोसेस चलता रहेगा। थोड़ा कॉम्प्लेक्स करके भी उसने दिखाया हुआ है कि हमारे पास ये कन्वर्ट हो रहा है इसमें और ये इसमें और ये इसमें, लेकिन ये दोबारा सिग्नल दे रहा है, ठीक है। सेम एज ये भी हमारे पास जाके दोबारा यहाँ से साइनैप्स कर रहा है और दोबारा जो है वो ये सिग्नल दे रहे हैं और इस साइकिल को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है, पॉजिटिव सिग्नलिंग। सेम एज अगर हम इसमें भी और इसमें देखें कि यहाँ से हमारे पास इनपुट मिल रहा था, ठीक है, इनपुट के बाद हमारे पास क्या हो रहा है, ये जो एक्सोन्स हैं ये इसके साथ भी साइनैप्स कर रही हैं, यहाँ भी आउटपुट तो हमें मिल रहा है, लेकिन इस आउटपुट की वजह से डिफरेंट जगहों पे हम देखें तो हमारे पास क्या मिल रहा है, दोबारा से फीडबैक मिल रहा है, पॉजिटिव फीडबैक टू दिस एंड स्टिमुलेटेड अगेन एंड अगेन, और एक पॉजिटिव साइकिल चलता रहेगा और हमारे पास कंटिन्यूसली डिस्चार्ज होता रहेगा डिस्पाइट दिस के हम ये इनपुट सिग्नल रोक लें, फिर भी हमारे पास ये आफ्टर डिस्चार्ज का प्रोसेस या रेवरब्रेशन का प्रोसेस चलता रहेगा, ठीक है। ये एक पॉजिटिव फीडबैक की एग्जाम्पल है, ठीक है। उसके बाद वो बताता है कि नॉर्मली अब ये जो रेवरब्रेशन का प्रोसेस है ये नहीं है कि 10 साल चलता रहेगा, ठीक है, इसका भी कोई प्रॉपर टाइम होता है और ये आके नॉर्मली खत्म हो जाता है। अभी इसके खत्म होने की वजह क्या होती है, फटीग होती है, ठीक है। जो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा है कि पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन जो है वो फटीग का शिकार हो जाती हैं, थक जाती हैं, और थकने का रीजन क्या होता है कि उनके जो चैनल्स होते हैं ये क्लोज हो जाते हैं या सिग्नलिंग मॉलिक्यूल डिस्ट्रॉय होते हैं, तो इनमें फटीग आ जाती है जिसकी वजह से फर्दर एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं होता और यहाँ पे क्या हो जाता है, सुकून हो जाता है, ठीक है। ये जो बार बार ओवर एक्साइटेशन हो रही थी ये रुक जाती है, ठीक है। तो नॉर्मली ये इतने टाइम में खत्म हो जाता है, लेकिन अगर कोई इनहिबिटरी सब्सटेंस मौजूद हो तो फिर ये बहुत जल्दी खत्म हो जाता है, और अगर इसको फैसिलिटेट करने के लिए कोई सब्सटेंस मौजूद हो तो फिर इसको काफी टाइम लग जाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास रिवर्बरेटरी साइकिल था कि किस तरह आउटपुट सिग्नल क्या कॉज कर सकते हैं आफ्टर डिस्चार्ज या आउटपुट को प्रोलोंग कर सकते हैं, लेकिन ये प्रोलोंगेशन नॉर्मली खत्म हो जाती है फटीग फिनोमेना की वजह से कुछ टाइम के बाद, ठीक है। अब वो एक और चीज़ बताता है कि हमारे पास जो कंटिन्यूस सिग्नल आउटपुट हो रहा है कि बार 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 जो है वो हमारे पास डिस्चार्ज हुआ जा रहा है, उसकी दो रीजन्स हो सकती हैं। एक रीज़न तो ये हो सकती है कि जो हमारा सेल है जिसको सिग्नल आके मिल रहा था उसका थ्रेशोल्ड काफ़ी ज़्यादा क्या हो गया, वह कम हो गया, ठीक है, उसका थ्रेशोल्ड काफ़ी ज़्यादा कम हो गया और वो खुद ब खुद क्या हो जाता है, एक्टिव हो जाता है, जिसकी वजह से वो क्या कॉज कर रहा है, एक्सेसिव न्यूरोनल डिस्चार्ज कॉज कर रहा है, या उसमें कंटिन्यूसली रेवरबरेटरी सिग्नल्स जो है वो हो रहे हैं और उसको इनहिबिट करने के लिए फटीग मौजूद नहीं है, तो हमारे पास यहाँ पे क्या हो रही है, एक्सेसिव आउटपुट सिग्नल्स ट्रांसमिट हो रहे हैं। अगेन उसी बात को रिपीट किया उसने, यहाँ पे आप पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। तो अगेन प्रोलॉन्ग जो है सिग्नल हमारे पास क्यों हो सकता है जिसको हम आफ्टर डिस्चार्ज कहते हैं, या तो ऐसा सब्सटेंस मौजूद है, ठीक है, न्यूरोट्रांसमीटर में जो क्या कर रहा है लॉन्ग एक्टिंग है, या फिर इस रिवर्बरेशन के प्रोसेस के थ्रू कि इसमें आउटपुट जो है वो आके पॉजिटिव फीडबैक के थ्रू दोबारा से एक्टिवेशन कराता रहता है, या तीसरी रीजन वो क्या बताते हैं कि जो थ्रेशोल्ड लेवल है उस न्यूरोनल सेल का वो काफ़ी ज़्यादा कम हो गया है और वो इजीली एक्साइट होता रहता है और आगे इंपल्सेस को भेजता रहता है, और जो फटीग के फिनोमेना के थ्रू हम कह रहे हैं रिवर्बरेशन कभी कभी इनहिबिट हो जाती है वो नहीं है, और ये मल्टीपल जो है वो रिवर्बरेशन चल रही हैं, पॉजिटिव साइकिल चल रहे हैं और मल्टीपल डिस्चार्ज हो रहा है हम कहते हैं आफ्टर डिस्चार्ज। फिर इस ग्राफ में वो ये बता रहा है बच्चों कि ये हमारे पास रिवर्बरेशन की वजह से या किसी भी फैक्टर की वजह से हमारे पास क्या हो रही है, ऑलरेडी हमारे पास जो है वो डिस्चार्ज ज़्यादा हो रहा है, लेकिन वो सोने पे सुहागा वाली बात है कि अगर डिस्चार्ज भी ज़्यादा हो रहा है और हमने कहा ना इनपुट सिग्नल के विदाउट ये डिस्चार्ज चला आ रहा होता है, और अब उस टाइम एक और कोई इनपुट भी आ गया पीछे से एक्साइटेटरी इनपुट आ गया तो उस टाइम तो ये बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा, और सेम एज अगर कोई इनहिबिटरी इनपुट आएगा तो ये थोड़ा कम हो जाएगा। और मोस्टली ये जो आउटपुट सिग्नल्स आ रहे होते हैं बच्चों ये एक रिदम में आ रहे होते हैं, और ऐसा रिदम हमने कहाँ देखा है, ऐसा रिदम हमने रेस्पिरेटरी साइकिल में मेड्यूला में देखा था कि जब रेस्पिरेशन स्टार्ट होती है तो वो ऐसे करके होती है, ठीक है, फिर वो सीज हो जाती है और फिर हमारे पास क्या होता है, फिर इस तरह करके इंस्पिरेटरी एंड एक्सपिरेटरी साइकिल्स होते हैं। तो वो बता रहा है कि ये एक प्रॉपर रिदम की फॉर्म में आउटपुट सिग्नल्स जो हैं वो जनरेट होते हैं। अच्छा बच्चों बस एक आखिरी बात वो बताता है कि हमारे जो ब्रेन है उसमें जो है वो एक न्यूरोनल पोल दूसरे से भी कनेक्ट हो सकता है, दूसरा तीसरे से, तीसरा चौथे से, चौथा पांचवें से, उससे सेम है, तो अगर ये इसको स्टिमुलस दे रहा है ये इसको तो ब्रेन तो हर टाइम ओवर एक्साइट हो जाएगा, ठीक है, एग्जॉस्ट हो जाएंगे, हमें तो कुछ समझ नहीं आएगा कि कौन सी इंपल्स कहाँ जा रही है कौन सी कहाँ जा रही है, जब ये एक दूसरे को ही स्टिमुलेट करना स्टार्ट कर देंगे तो इसको इनहिबिट करने के लिए ब्रेन में क्या है, तो अगर जब ये इनहिबिशन नहीं होती और इस तरह ओवर एक्साइटेशन होती है तो एपिलेप्टिक अटैक्स आते हैं, ठीक है, झटके लगते हैं जो मिर्गी के इसी वजह से होते हैं, ठीक है। अच्छा फिर इसको इनहिबिट करने के लिए, इस एक्सेसिव एक्साइटेशन को इनहिबिट करने के लिए बॉडी के अंदर
मैकेनिज्म्स हैं, ठीक है। वो दो मैकेनिज्म्स क्या हैं कि एक फटीक वाला फिनोमेना है जो मैंने आपको पहले भी बताया कि थोड़े टाइम के बाद जो पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन होती है ना वो थक जाती है और वो फर्दर ट्रांसमिशन को ब्लॉक कर देती है। वो किस तरह ब्लॉक करती है, ये जो चैनल्स होते हैं इनको ब्लॉक कर देती है या ट्रांसमिशन लेना छोड़ देती है या जो पीछे बड़ा रिसेप्टर्स होते हैं उनको ब्लॉक कर देती है। तो एक फटीक के फिनोमेना के थ्रू ये होता है, ठीक है, और दूसरा ये होता है इनहिबिटरी सर्किट्स के थ्रू। तो वो बताता है जो पाथवे, यानी अगर कोई हमारे पास ये नर्व है, ये नर्व टर्मिनल है और ये सिग्नल लेके जा रहा है कहीं पे, ठीक है, तो जब ये सिग्नल लेके जाएगा तो इसका एक ऐसा पोर्शन होता है जो इनहिबिटरी होता है। अब जब फर्दर सिग्नल्स की जरूरत नहीं है, एक्साइटेशन कर ली मसल्स ने, फर्दर एक्साइटेशन की जरूरत नहीं है, तो इसका एक इनहिबिटरी पोर्शन भी होता है और वो वापस जाता है उसी सर्किट में जहाँ से इन्फॉर्मेशन आई होती हैं और उनको जाके क्या करता है, इनहिबिट करता है। इसके अलावा भी ब्रेन में काफ़ी जगह पर इनहिबिटरी सर्किट्स मौजूद हैं जो एक्टिविटीज़ को चेक एंड बैलेंस करते हैं और इनहिबिट कर देते हैं जब फर्दर उनकी ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। ये सर्किट्स कहाँ पर मौजूद हैं, बेसल गैंग्लिया वगैरह में, ठीक है। और फिर एक चीज़ उसने बताई हुई है कि हमारे पास ये जो सिनेप्टिक फटीग है ये बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमेना है, इसमें दो तरह की एडजस्टमेंट्स आती हैं, एक शॉर्ट टर्म होती है और एक लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म में सिंपल ये होता है कि हमारे पास जो मसल ओवर यूज़ हो रहा होता है, बहुत ज़्यादा हम यूज़ कर रहे होते हैं, वो बहुत जल्दी फटीग कर जाता है, ठीक है, और जो अंडर यूज़ होता है वो लेस, मतलब इतनी जल्दी फटीग नहीं करता। और एक आखिरी बात कि हमारे पास जो लॉन्ग टर्म चेंजेस आते हैं वो किस तरह से आते हैं कि रिसेप्टर प्रोटीन्स को चेंज कर दिया जाए या जीन्स को डीफॉर्म किया जाए या हमारी जो रिसेप्टर प्रोटीन की सेंसिटिविटी है रिसेप्टर प्रोटीन्स की पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन के ऊपर उनको डाउन रेगुलेट या अप रेगुलेट करके एक्साइटेशन और इनहिबिशन को कंट्रोल किया जाता है। तो ये ब्रेन के दो ऐसे रीजन हैं जो क्या करते हैं, ओवर एक्साइटेशन को इनहिबिट करते हैं, फटीग और दूसरा इनहिबिटरी सर्किट्स, ठीक है। तो अब आपको याद होना चाहिए या पता होना चाहिए कि ये न्यूरोनल सर्किट्स कहाँ कहाँ हैं, इस एरिया को हम क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, ठीक है। उसके अलावा डाइवर्जेंस है तो वो कहाँ हो रही है और क्यों हेल्पफुल है, कन्वर्जन है तो वो कहाँ हो रही है और क्यों हेल्पफुल है, ठीक है। ये एरियाज याद रखने हैं, एक्साइटेशन और इनहिबिशन क्यों हेल्पफुल है, एंटागोनिस्ट मसल्स में हेल्पफुल करती है, ठीक है। एक आफ्टर डिस्चार्ज फिनोमेना है वो किस वजह से होता है, या तो एक सब्सटेंस न्यूरोट्रांसमीटर की वजह से या फिर पॉजिटिव फीडबैक की वजह से, जिसमें ये एक साइकिल स्टार्ट हो जाता है डिफरेंट जगहों पे। ये सिंपल है, फिर कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है और बहुत कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, ठीक है। इसको इनहिबिट करने के लिए फटीक मौजूद है, फटीक का फिनोमेना, ठीक है बच्चों। उसके अलावा हमारे पास ने बताया कि अगर थ्रेशोल्ड लेवल कम हो जाए या फटीक का फिनोमेना ना हो तो बहुत ज़्यादा ये फिनोमेनाज हो सकते हैं। फिर हमने कहा कि जो आउटपुट डिस्चार्ज होता है ये रिदमिकल लेवल में होता है और हर जगह पर अगर ये सर्किट्स कनेक्ट हैं तो ओवर एक्साइटेशन होती है, रिपीटेशन बहुत है गाइटन में, तो उसको रोकने के लिए फटीक है या इनहिबिटरी सब्सटेंसेज हैं। सो हमारे पास जो है वो चैप्टर 47 एंड हुआ।